हज़रत निहाल शाह नूरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार हैदराबाद से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर टंडो मोहम्मद खान रोड पर गंजू टक्कर नामी पहाड़ी सिलसिले पर वाक़ है। अब हमें सिर्फ इतना ही पता था, रास्ता तो पता नहीं था, हम भी निकल गए उनका मज़ार ढूंढने के लिए। तो भाई हुआ क्या, बातों बातों में इतना आगे निकल आए, जब मालूम करा तो तकरीबन 3 किलोमीटर हम आगे आ गए। यार भाई निहाल शाह नूरी का मज़ार किधर है? किधर? पीछे पीछे किस तरफ थोड़ा बताओगे? चलो भाई, रास्ता तो हमें पता नहीं था, हम निकल तो गए थे, लेकिन जब हमने पूछा, हमने सोचा शायद काफ़ी दूर होगा, लेकिन हम लोग अहमद भाई 2-3 किलोमीटर आगे ही निकला है, आगे आ रहा है, अब वापस जाना पड़ेगा, मतलब क्या करें? चलो चलो चलते हैं। जहाँ जाना था वहाँ से हम कुछ 2-3 किलोमीटर आगे निकला है, वो तो शुक्र है कि हमने किसी से पूछ लिया, क्योंकि दूर दूर तक तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा था ना, तो हम समझ रहे थे शायद हम सही जा रहे हैं। अच्छा भाई, ये निहाल शाह नूरी का रास्ता कहाँ जा रहा है? उस तरफ से आगे होटल है। हाँ, इधर सीधा जाके ये जो होटल नज़र आ रही है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो अहमद। सही रास्ता तो हमें मिल ही नहीं रहा था, जो रास्ता मिला वो भी सही नहीं मिला। फाइनली वो रास्ता हमें मिल ही गया है, पहली बार आ रहे हैं हम लोग भी, हमने सोचा आपके साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कौन सा रास्ता है यार? ये वाला, ये वाला, यहाँ भी मालूम करो यार, 3 रास्ते निकल रहे हैं, देख रहे हो, 3 रास्ते हैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है। ये शॉपकीपर से मालूम करते हैं। ये नीचे वाले रास्ते से आखिरकार टूटी फूटी सड़क और कांटेदार झाड़ियों से गुजरने के बाद हम दरगाह के करीब पहुंच ही गए। हज़रत निहाल शाह नूरी का मज़ार तकरीबन 250 साल पुराना है, और ये मज़ार करोड़ों के दौर हुकूमत में बनवाया गया था। जहाँ अहमद भाई खड़े हैं, आप देखें उनके पीछे रास्ता जो जा रहा है, वो रास्ता भी अभी बनवाया गया है, पहले इससे पहले कोई इस तरह का रास्ता नहीं होता था, और ना ही कोई स्टेप्स थे, खुला पहाड़ था, और पहाड़ों पर ही चढ़ के दरगाह पर जाना पड़ता था। तो देखिए अहमद भाई क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ज़रा चेक करें। तो भाई सीन ऐसा है कि हम अपनी लोकेशन तक तो पहुँच चुके हैं, और अभी हम ऊपर जाएंगे दरगाह की, दरगाह पर, और हम यहाँ की जो स्टेप्स हैं ये गिनते हुए जाएंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा मेरे दोस्त वगैरह आए थे, उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि हम ये यहाँ के स्टेप गिने, मगर वो गिन नहीं पाए थे। तो जोजी भाई आज अपन कोशिश करें इसकी, हैं जोजी भाई? चलो चलो आ जाओ। कर रहे यार जोजी भाई, नीचे से लेके यहाँ तक हो गई है 43, अब आगे की देखते हैं कितनी रह गई। मेरा सांस बहुत फूल गया है, और चल भाई आगे की भी गिनते हैं, चैलेंज हार्ड है, इंशाल्लाह करेंगे ज़रूर आज पूरा। 55, 56, 57, 58, 59, 90, 91, 92। तो भाई 91 तो हो गई जोजी भाई, अभी ये भी रहती हूँ, पर तकरीबन 100 से ज़्यादा ही हो जाएंगी भाई। नीचे बहुत गर्मी थी, ऊपर आए तो बड़ा सुकून मिला है, हवा चल रही है, और पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त पहाड़ वगैरह और हरियाली भी है, और यहाँ इतना सुकून इसलिए कि यहाँ पर कोई रिहाइश वगैरह या कोई आबादी नहीं है, इसलिए भी यहाँ बहुत सुकून है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को भी। जोजी भाई बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और अभी हम ऊपर भी चलते हैं, जाएंगे कि दरगाह शरीफ है वहाँ पर भी चल के थोड़ा विजिट करते हैं। चलें जोजी भाई, अंदर जाने का रास्ता है।
जब कलोड़ों की हुकूमत थी, कलोड़ों ने की हुकूमत थी, उन्होंने ये सीन जो हमी थी ना कलोड़ों ने इनका जो ये मजार है कलोड़ों, मैं यही कह रहा हूँ ना अंकल, अभी हम नीचे से आए हैं जोजी भाई, हम नीचे से आए, नीचे से ऊपर आए, इतनी गर्मी थी, तपिश थी, मगर एकदम ऊपर आए तो इतना अच्छा माहौल, और इतना ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ गर्मी का कोई एहसास ही नहीं है, और इतना सुकून मिल रहा है मेरे को, तो भाई बैठे हुए यहाँ पर एक मज़ा भी आ रहा है। सो गाइस, ये है इनकी इबादत का, जो उस वक्त यानी आज से तकरीबन 200-250 साल पहले से यहाँ मौजूद है। ये यहाँ पर आके अपनी इबादत किया करते थे। ये इनका एंट्रेंस है। यहाँ से आने के बाद ये पूरी एक छोटी सी गुफा बनी हुई है, और ये अंदर का रास्ता अंदर काफी गहरा है। ये इनकी इबादत गाह हुआ करती थी उस दौर में। यहाँ पे थोड़ा सा इको है सॉन्ग का ना, यहाँ पर बोलते हुए थोड़ी सी आवाज गूंज रही है, और ये यहाँ पर चलने की जगह ठीक से नहीं है, आपको खड़े नहीं हो सकते यहाँ पे, यहाँ पे क्रॉलिंग करके आना पड़ता है, क्योंकि एंट्रेंस के ऊपर तो है जगह, लेकिन अंदर आने के बाद छत बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है। ये वो गार है जहाँ हजरत नियाज शाह नूरी रहमतुल्लाह अलैह इबादत किया करते थे, और यहाँ अंदर आने के कुछ कवायद हैं कि बगैर वजू के अंदर आना मना है, दिली दिल में खामोशी के साथ अल्लाह का जिक्र करें, और ना तेज़ आवाज़ में यहाँ बोलना भी मना है। और आप देख सकते हैं कि ये उस वक्त की जगह को आज भी इन्होंने इसी तरीके से महफूज कर रखा है, कि यहाँ पर जो जैसे पुराने दौर में जैसे नियाज शाह नूरी साहब के दौर का इन्होंने वैसे ही इसको अभी रखा हुआ है। दरगाह के साथ ही एक कब्रिस्तान भी है जो बहुत कदीमी कब्रिस्तान है, और वहाँ उनके नाम की तख्तियाँ भी अभी भी तकरीबन 200 साल पुरानी 150 साल पुरानी कब्रें वहाँ पर थी, जो पहाड़ी जो इलाका जहाँ हजरत नियाज शाह नूरी का मज़ार है ना, उसके बराबर में ही वो कब्रें भी हैं। और वो जो कब्रिस्तान का जो रास्ता है वो बहुत ख़तरनाक था, हमने बड़ी कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पे कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, सब्सक्राइब करो, बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम, बहुत दूर दूर जाते हैं आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।